हाँ जी, तो कैसे हैं सारे? तो पिछले कुछ जो बीते दिन थे वो मेरे लिए थोड़े से मुश्किल से रहे। मुश्किल से इस वजह से क्योंकि एक तो कॉलेज मिल नहीं रहे थे, अब जो कॉलेज मिले उनकी तरफ से जो रिप्लाई बैक्स थे या फिर जो उनकी एलिजिबिलिटी थी उन्होंने दिल तोड़ दिया। मैं कभी भी खूब सारे नंबर पाने और क्लास में टॉपर बने रहने के ऊपर ज़्यादा मेरा कभी मन नहीं होता था। मेरा मानना सिंपल सा था कि यार 8 CGPA के आसपास मेंटेन कर लूँ एंड उतना बहुत है। एंड इसीलिए जब भी पेपर आते थे तब मैं थोड़ा सीरियस हो जाता था एग्जामिनेशंस को लेके। रेस्ट मेरे को नंबर से ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता था। एंड थ्रू आउट मेरी ये पूरे बैचलर्स में मैंने अपना CGPA 8 के आसपास ही मेंटेन करके रखा। बट जब लास्ट के 2-3 सेमेस्टर्स बचे थे, जब ऑनलाइन चालू हुआ एंड इंटर्नशिप, इसमें मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ। मेरे से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं करे जा रहे थे। लेकिन लास्ट 2 सेमेस्टर्स के चलते मेरा जो फाइनल रिजल्ट बना वो बना 7.92। मेरे को बहुत बुरा लगा था कि यार पूरे 4 साल में 8 के आसपास आने की कोशिश करता रहा बट एग्जैक्ट 8 नहीं पहुंच पाया। बट मेरे जो मम्मा है और मेरे जो मेंटोर है उन सब ने मेरे को समझाया कि कोई बात नहीं, 7.92 इज़ अप टू 8 एंड इस पर कुछ ज़्यादा बवाल नहीं मचने वाला है। अब उनकी बात उस दिन समझ के तो मैंने दिल को तसल्ली दे दी थी बट वो चीज़ आज हर्ट कर रही है। अब हुआ यूं कि हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करी थी इसमें से कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मेरी जो उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो सारी क्लियर हो रही थी। इनमें से एक थी कैलगरी यूनिवर्सिटी। मेरे को लग रहा था कि दिस यूनिवर्सिटी विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर मी एंड शायद ये मेरे लिए ही बनी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ और ही लिखा था। फिल देयर फॉर्म द मिनिमम रिक्वायरमेंट वॉज 8 CGPA। अब मैंने उन्हें मेल किया है पूछना चाहा कि मेरे 7.92 हैं, क्या वो आप 8 के आसपास कंसीडर करोगे या नहीं? एंड उनका रिप्लाई था बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं करेंगे, हमें 8 ही चाहिए। सो मेरा आज का वीडियो बनाने का मतलब ये है कि यार मैं पूरी कोशिश करता रहा 4 साल कि मेरे 8 आए बट अनफॉर्चुनेटली आखिरी में जो ऑनलाइन सेमेस्टर हैं जो भी हुआ उसकी वजह से मैं 7.92 पे रुक गया, विच मीन्स कि 0.08 अपने टारगेट से। एंड उस चीज़ के चलते मेरे कुछ जो कॉलेजेस जहाँ पे मैं श्योर था जहाँ पे मेरा हो जाएगा वहाँ पर मैं एलिजिबल ही नहीं रहा वहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। सो अगर आप हो अभी हॉस्टल्स में अपने कॉलेजेस में तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ट्राई टू मेंटेन योर CGPA अबव 8 अगर आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वैसे तो नॉर्मली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ 7.5 के ऊपर एलिजिबल होते हो एंड आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो जाओगे बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको 8 चाहिए होगा। सो ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट, CGPA इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी कोई कुछ भी बात बोलेगी, नहीं भाई नंबर से कुछ नहीं होता, नॉलेज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, दीज नंबर्स एंड दीज CGPA विल बी गिविंग यू अ चांस टू क्रॉस द लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसके बाद आप अपनी नॉलेज दिखा सको। नॉलेज कितनी भी हो CGPA अगर नहीं है देन एप्लीकेशन भी नहीं भर पाओगे। सो मेरी कुछ यूनिवर्सिटी जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करी थी उनमें से आई थिंक 4 या 5, मैंने 7 यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करी थी, 4 और 5 बाहर हो गई हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होके जहाँ पर मैं नहीं कर सकता या फिर मेरे को रिजेक्शन आ गया। तो आगे की स्टोरी और जाननी हो या फिर दिन पर दिन मेरे साथ क्या हो रहा है, हर दिन मैं कौन से फॉर्म भर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। आई विल ट्राई टू शेयर ऑल दोज थिंग्स टू विद यू एंड तब तक सब लोग अपना ख्याल रखो। लव फ्रॉम माय स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ, बाय।